शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सरायकेला से मिल रही है, जहां चकधरपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा हो गया। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा पेश आया है। और आपको बता दें कि 5 कोच ट्रेन की पटरी से उतर गए हैं। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर अब तक है, और मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। झारखंड के चकधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMH मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यहां एक मालगाड़ी पहले डिरेल हुई थी, जिसके वैगन ट्रैक पर ही थे, और वहीं हावड़ा मुंबई मेल दूसरी ट्रैक से आ रही थी और उस वैगन से टकराकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद डिब्बे भी पटरी से उतर गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा करीब 3:45 का बताया जा रहा है। पहले सुबह 3:45 पर जब ये ट्रेन इस ट्रैक से गुजर रही थी, उसी वक्त हादसे का शिकार हो जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से जो ट्रेन की बोगी है, बताया जा रहा है कि 5 डिब्बे हैं जो बेपटरी हो गए। जो यात्री इसके अंदर फंसे हुए थे, उन्हें निकालने की कोशिश भी मौके पर स्थानीय लोगों ने की, क्योंकि जैसे ही खबर मिली आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, 5 कोच पटरी से उतरे हैं। बताया जा रहा है कि चकधरपुर रेल मंडल के पास ये हादसा हो गया। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा पेश आया है, और 5 कोच पटरी से उतर गए हैं। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक आपको अपडेट बता दें, एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है और 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब 3:45 पर यह हादसा हुआ। अगर हम बात करें कि हादसा कैसे हुआ, तो बताया जा रहा है कि यहां एक मालगाड़ी पहले डिरेल हो गई थी, जिसके वैगन ट्रैक पर ही रखे हुए थे, और उसी वक्त हावड़ा मुंबई मेल दूसरी ट्रैक से आ रही थी, जो उस वैगन से जाकर टकरा गई। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताएं, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितनी कैजुअलिटी, कितने लोग घायल हैं, राहत बचाव का कार्य क्या जारी है? रुपेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। क्या कुछ ताजा अपडेट है मौके पर, अभी क्या चल रहा है रुपेश? मौके पर देखिए, चकरधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं और सुरक्षा बल और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है, और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और उस ट्रेन में जो यात्री सवार थे, उनको अभी आगे भेजने के लिए, जिसे चकरधरपुर से ट्रेन भेजा जा रहा है, और एक मेमो ट्रेन भेजकर उन्हें चक्रधरपुर रेलवे मंडल मुख्यालय लाया जाएगा, और वहां से फिर आगे उनका गंतव्य जो था उसके लिए। और फिलहाल ये हावड़ा मुंबई जो मुख्य रेल मार्ग है, इस पर ट्रेनों का परिचालन भी पूरी तरह से ठप हो गया है इस हादसे के बाद, और घटनास्थल में रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। जी रुपेश, आप घटनास्थल पर पहुंचने वाले थे, कितना वक्त आपको वहां पर पहुंचने में लगेगा, और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है कैजुअलिटी को लेकर? देखिए, कैजुअलिटी को लेकर अभी स्पष्ट तौर पर आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन करीब दर्जनों लोग, 20 के आसपास लोग घायल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिन्हें कि आसपास के जो वहाँ खरसवां अस्पताल वहाँ से नजदीक पड़ता है, तो वहाँ भेजा गया है। और एक यात्री की मौत की खबर हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, लेकिन ये अभी आधिकारिक रूप से ये भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो घटनास्थल घटना कैसे हुई, ये करीब 4 बजे आसपास घटना हुई है, और डाउन ट्रैक बिल्कुल रुपेश, सवाल वही है कि 4 बजे ही ये घटना घटी है। 3:45 का वक्त बताया जा रहा है, 7 बजने वाले हैं, करीब करीब 3 घंटे का वक्त बीत गया, और अब तक कोई अपडेट नहीं? जी देखिए, भोर करीब 4 बजे आसपास घटना हुई, और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली है, रेल के तमाम अधिकारी वहां पर सुबह पहुंच गए हैं, और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी
तक आधिकारिक रूप से ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और अभी हेल्पलाइन वगैरह भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। और पहले प्राथमिकता उनकी यही होगी कि कैसे वहां पर रेस्क्यू का काम जल्द शुरू किया जाए और लोगों को कैसे आगे गंतव्य तक उनको रवाना किया जाए। वैसे ये तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं रुपेश, जो हम तस्वीर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इसमें दिख भी रहा है कि जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो गए और कुछ यात्री भी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। क्या कुछ उस वक्त हुआ, कोई बता पा रहा है कैसे ये उस वक्त हादसा हो गया? देखिए, हादसा का जो कारण है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन डाउन ट्रेन से घटना के बारे में जो मोटा मोटी जो जानकारी मिली है वो नीचे इधर डाउन लाइन से जो चक्रधरपुर से टाटा की ओर जाती है उस डाउन लाइन से जा रही थी मालगाड़ी और वो पहले डिरेल हुई और उसके बाद अप लाइन से हावड़ा टाटा से जो चक्रधरपुर की ओर आ रही थी हावड़ा मुंबई जो मेल वो उसके बाद आकर वही बेपटरी हुई है। तो दो ट्रेन बेपटरी हुई है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और मेल ट्रेन और दूसरा जो है मालगाड़ी जी। और लेकिन वहां पर पटरियों में कुछ खामियां थी या मालगाड़ी जब बेपटरी हुई मालगाड़ी क्यों बेपटरी हुई ये भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जरूर वहां जो ट्रैक में कुछ खामी होगी या ट्रैक काटा गया होगा या क्या स्थिति है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है जी। बिल्कुल रुपेश, आप भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं, वहां से ताजा अपडेट आप हमें जल्द दे पाए, कितना वक्त लग रहा है आपको वहां तक पहुंचने में? जी, मुझे अभी करीब आधे घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा घटनास्थल में और उसके बाद आगे के जो भी स्पष्ट जानकारी है वो मैं दे पाऊंगा जी। ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वही ट्रेन है जो हादसे का शिकार हुई है, हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। झारखंड में ये बड़ा हादसा हुआ है, हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बड़ा बाम्बू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। दर्शकों को बता दें कि 5 कोच इस ट्रेन के पटरी से उतर गए, हादसे में अब तक एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है और हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन ये खबर हम तक पहुंच पा रही है कि एक यात्री की मौत अब तक हुई है, 20 लोग इसमें घायल हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है और बताया जा रहा है ऐसी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज करीब सुबह 3:45 पर ही यह हादसा हुआ और हादसे की वजह जो अब तक बताई जा रही है, जो अपडेट है उसके मुताबिक कि इससे पहले एक माल गाड़ी जो है यहाँ पर डिरेल हुई थी जिसके जो वैगन थे उसी ट्रैक पर रखे हुए थे और अप लाइन से उस वक्त ये ट्रेन गुजर रही थी जिससे टकरा कर ये ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो जाती है, 5 कोच रेल के डिब्बे जो है उतर जाते हैं। हमारे साथ प्रभात कुमार DDC जुड़े हुए हैं, सर आप तक क्या कुछ जानकारी है, अब तक क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? यहाँ करीब 10-12 बोगी टकरा के एक दूसरे टकरा गई है, उसमें काफी लोग घायल हुए हैं और दो आदमी के मरने की खबर है, वो बाथरूम में दोनों थे, उनको गैस कटर से काट के निकाला जा रहा है और पैसेंजर को यहाँ लोकल बस से उनको चक्रधरपुर और जमशेदपुर भेजा जा रहा है और एक ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन से हम लोग बाकी पैसेंजर को भेज रहे हैं चक्रधरपुर ताकि वहाँ से ट्रेन से लोग अपने अपने जगह। सर पहले खबर थी कि 5 जो कोच है वो बेपटरी हुई है, आप बता रहे हैं 10 से 12 की संख्या है, लगभग 10 के आसपास होगी और 2 लोगों की अब तक मौत है, घायलों की संख्या पता चल पाई सर? और क्या घायलों की संख्या? बहुत ज्यादा घायल नहीं है, सब एम्बुलेंस से भेजा रहे हॉस्पिटल में, वो गार्ड वाल के चलते नहीं लोग ज्यादा। सर घटनास्थल पर आप लोगों की क्या तैयारी है, कौन कौन से लोग वहाँ आप लोग मौजूद हैं और क्या कुछ आगे राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है? यहाँ SP साहब हैं और यहाँ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ देख रहे हैं और रेलवे के भी लोग पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उन लोग के द्वारा यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप लोगों को कब खबर मिली सर कि हादसा हुआ है? मुझे 4:30 खबर मिली और उसके बाद टीम वहां पहुंच चुकी थी, उसके बाद टीम आ गई है, गांव के लोगों ने काफी मदद की इसमें, घायलों को निकालने में गांव वालों ने काफी सहयोग किया है। सर जो परिजन हैं जो यात्री वहां मौजूद हैं उनके रिलेटिव्स अगर कुछ जानना चाहें तो उसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर?
हेल्पलाइन नंबर अभी हम लोग नहीं जारी किए हैं, हम लोग जारी कर देते हैं। लोग अपने अपने फोन से लोगों को खबर कर रहे हैं और जमशेदपुर वाले अपनी गाड़ी लेके भी लोग आ रहे हैं, लोग अपने पैसेंजर को लेके जा रहे हैं। कुछ गाड़ी हम लोग और मंगा रहे हैं, सभी पैसेंजर को हम लोग भेज रहे हैं। सर अभी भी बहुत लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है? नहीं, सब लोग निकल गए, कोई पैसेंजर फंसा हुआ नहीं है, सभी लोग ट्रेन से बाहर आ गए हैं, सबको उनको भेजा जा रहा है। जिन दो यात्रियों की मौत की खबर, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक ब्लास्ट निकलेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि बाथरूम के अंदर फंसे हुए हैं और दोनों बोगी आपस में टकरा गई है, चिपका हुआ है, उसे वहाँ तक जाने के में बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि 10 से 12 जो कोच पटरी से उतरे उन सभी में जो यात्री फंसे थे उन सभी यात्रियों को अब तक निकाल लिया गया है, अंदर कोई नहीं निकल गए? अंदर कोई भी नहीं है। कितनी संख्या है सर, अगर आप बता पाए? मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगा जी, क्योंकि काफी यहाँ लोकल की भी काफी भीड़ लगी हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके सबको अपने। हादसे की वजह कुछ समझ आप अभी तक समझ आ पाया सर आप लोगों को? क्योंकि हम तक ये खबर मिल रही है कि वहां पर एक पहले मालगाड़ी जो है डिरेल हुई थी, उसके वैगन वहां रखे थे, उसी से टकरा कर ये हादसा हुआ है। ठीक है। तो हमारे साथ सरायकेला के DDC प्रभात कुमार जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस हादसे में अब तक 2 यात्री की मौत की खबर मिल रही है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों की संख्या कितनी है अब तक ये एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं चल सका है, लेकिन अच्छी बात ये बताई जा रही है कि 10 से 12 जो बोगी बेपटरी हुए थे उन सभी के अंदर जो यात्री फंसे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 हादसे में 2 यात्री की मौत की खबर मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है और गांव वाले भी मदद कर रहे हैं प्रशासन की, जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, रेलवे के अधिकारी की टीम जो है वहां पर पहुंची भी है और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैक अब खाली करवाया जा रहा है क्योंकि जो ट्रैक है वहां से 5 करीब 10 कोच जो है वो बेपटरी हो गए थे और इस हादसे में अब तक 2 यात्री की मौत की खबर मिल रही है। न्यूज 18 को DDC ने बड़ी जानकारी दी, प्रभात कुमार सरायकेला के DDC न्यूज 18 के साथ अभी बात कर रहे थे, हमने आपको बताया भी, उन्होंने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक अब तक 2 यात्रियों की मौत की खबर है और जो बेपटरी हुए थे कोच उनके अंदर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। और जिन 2 यात्रियों की मौत हुई है उनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, कहां के रहने वाले थे, कुछ देर के बाद ये भी अपडेट सामने आ जाएगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, आप बता दें आज सुबह ही करीब 4 बजे चकधरपुर रेल मंडल में ये बड़ा रेल हादसा हो गया, हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और जानकारी के मुताबिक 10 ऐसे कोच थे जो पटरी से उतर गए और उसमें फंसे यात्रियों के को जो है अब निकालने की कोशिश उसी वक्त से शुरू हो गई थी। अब तक जो अपडेट है बताया जा रहा है कि उस कोच के अंदर कोई भी यात्री नहीं है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ही हादसा हुआ वैसे आसपास के लोग वहां पहुंच गए, ग्रामीणों ने भी प्रशासन की टीम की पूरी मदद की, लगभग 4 बजे ही ये हादसा हुआ है जिसके बाद से राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, देखिए ये 4 बजे की तस्वीर, जब हादसे की खबर सामने आई और बताया जा रहा है जैसे ही जानकारी मिली तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया, एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला जाने लगा, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि अब तक सभी यात्रियों को जो इस कोच के अंदर फंसे हुए थे बाहर निकाल लिया गया है। हादसा कैसे हुआ है फिलहाल इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक आपको बताएं कि इससे पहले यहां पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी जिसके वैगन उसी ट्रैक पर पड़े हुए थे और सामने से आ रही ये ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है, इससे टकराकर हादसा हो जाता है। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और फिलहाल ट्रेन से सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और अब ट्रैक को खाली कराने का
काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है, ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी यात्री उसके अंदर ना फंसा हो, इसे चेक किया जा रहा है। तो रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, राहत बचाव का कार्य जारी है, आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी वहां मौजूदगी है और अब धीरे धीरे इसको लेकर आगे कार्रवाई की जाती हुई जो घायल हैं उन्हें जमशेदपुर में अस्पताल में एडमिट करवाया जा रहा है। एक एक करके ये सामने आएगा कि कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। लेकिन हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बड़ी खबर बता दें कि आज सुबह सुबह रेल हादसा हो गया और रेल हादसे में अब तक ये अपडेट मिल रहा है कि दो यात्रियों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो गांव वाले आसपास के वहां पर थे वो भी प्रशासन की टीम की मदद कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, ट्रैक को अब खाली करवाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं झारखंड से, चकधरपुर रेल मंडल में ये बड़ा हादसा हो गया, बड़ा बांबो रेलवे स्टेशन वो जगह जहां रेल हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इस रेल हादसे में बताया जा रहा है कि 10 कोच जो है ट्रेन के वो पटरी से उतर गए थे। हालांकि ये भी जानने की कोशिश होगी अब कि कैसे ये हादसा हुआ, ये जांच की जा रही है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या अपडेट मिल पा रहा है, रांची से प्रशासन की टीम वहां पहुंची कि नहीं? देखिए, रांची से मेडिकल जो इक्विपमेंट वैन होता है सुबह 5 बजे ही जो है घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। इस मेडिकल वैन में कई डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और दूसरे जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं वो तमाम हैं। और सुबह 5 बजे ये जो टीम है वो रवाना हो चुकी है और रांची रेल मंडल की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं ताकि जो भी इस रेल मंडल के जो भी यात्री हैं और जिनके परिजन परेशान हैं वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जो रांची रेल मंडल से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर से वहाँ पर से, चूंकि यहाँ से मेडिकल टीम चली गई है, वहाँ भी ग्राउंड जीरो पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, तो जो भी वहाँ बोगी जो है डिरेल हुई है, जो पटरी से उतरी है, उसको उससे जो फंसे जो यात्री हैं उनको निकालने का काम पूरा कर लिया गया। स्थानीय लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और यहाँ से रेलवे को जैसे ही यहाँ से रांची रेल मंडल को जानकारी मिली, चूंकि यह मामला पूरा चक्रधरपुर रेल मंडल का है तो वहाँ तो टीम पहुंची ही। यहाँ से आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो बगल से जो रेल मंडल जो होता है वो अपना एक जो अन्य सुविधाएं हैं वो सुविधाएं तुरंत फौरी तौर पर मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ से मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया और जो भी वहाँ से जो भी सहयोग मांगा जाएगा वो तमाम सहयोग यहाँ से मुहैया कराया जाएगा। और टीम जो यह जो कर सकते हैं कि इस मेडिकल वैन में कई डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या जो है, जो घायल हैं बहुत ज्यादा नहीं है, फंसे हुए यात्री नहीं है और कैजुअल्टी एक से ज्यादा हुई है, मतलब कि बहुत ज्यादा कैजुअल्टी नहीं है। तो वैसे में लोगों से धीरज रखने की अपील की जा रही है कि आप परेशान ना हो, चूंकि रेल यात्री सभी जगह के होते हैं। रांची रेल मंडल में ये बाकायदा मैसेज दिया गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो लोग फंसे उन्हें निकाल लिया गया है, टीम वहां मौजूद है, आप धीरज रखें। और अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया उस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी संजय, जहां हादसा हुआ है, जो बताया जा रहा है बड़ा बांबो रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, इससे सटा जमशेदपुर बताया जा रहा है कि यानी कि जो घायल वहां हो रहे हैं उन्हें जमशेदपुर में एडमिट कराया जा रहा है, आसपास और क्या कुछ है, आपको कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे नजदीकी बड़ा शहर कह लें वो जो आपको जो जहां स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सकती है वो जमशेदपुर ही है। चकधरपुर जो है बगल में चाबासा है, लेकिन उतना ज्यादा जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कहें तो बहुत ज्यादा वहां बड़े ये स्वास्थ्य लिहाज से वहां बड़े अस्पताल नहीं है, लिहाजा सीधे जो जमशेदपुर है वहां लोगों को ले जाया जा रहा है बस के जरिए। वहां चूंकि टीम जो रेलवे की ओर से बस की व्यवस्था कर ली गई है, खुद प्रशासन वहां पहुंचा हुआ है, तो प्रशासन की टीम बाकायदा घायल जो यात्री हैं उन्हें बस में ले जाकर सीधे जमशेदपुर रवाना किया जा रहा है ताकि समय रहते सभी को अच्छी सहूलियत जो इलाज की सुविधा मिल सके और कोई ज्यादा कैजुअल्टी इसमें ज्यादा नहीं बढ़े। चूंकि बार बार रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर घायल यात्री हैं, कोई भी घायल यात्री अभी तक ट्रेन की जो बोगी जो डिरेल हुई है उसमें फंसा हुआ कोई भी यात्री इस समय नहीं बचा है, तमाम यात्रियों को निकाल लिया गया। समय जो भी यात्री जैसे जैसे निकाले जा रहे हैं और वहां से जो घटनास्थल है वहां से सभी लोगों को धीरे धीरे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
तो रेलवे तत्पर है और बगल से रांची रेल मंडल से पूरा सहयोग मिल रहा है, मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है और जो भी घटनास्थल पर जो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो इस बात को इंश्योर करने में लगे हैं कि हालात पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए, ताकि जो सूचना के लिहाज से जो यात्री के परिजन परेशान हैं उनको कम से कम जब वो पहुंचे तो घटनास्थल पर कोई भी उन्हें अपने लोग नजर ना आए। तमाम लोग वहां से इसलिए सबकी रवानगी बताई जा रही है कि जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इसलिए आपको यहां आने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जी संजय, जैसे कि बताया जा रहा है कि दो यात्रियों की मौत की खबर अभी मिल रही है, जो अपडेट अभी हमारे साथ सरायकेला डीडीसी जुड़े हुए थे प्रभात कुमार, जिन्होंने ये अपडेट हमें बताया है कि दो यात्रियों की मौत की पुष्टि उन्होंने की और घायलों की एग्जैक्ट संख्या अभी तक नहीं पता चल सकी है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि 10 कोच जो थे वो पटरी से उतर गए, तो ऐसे में संख्या क्या आशंका जताई जाए कि संख्या जो है वो ज्यादा होगी घायलों की? देखिए जो ट्रेन है आप समझ सकते हैं कि हावड़ा मुंबई जो है ट्रेन है इसमें यात्रियों की संख्या वैसे भी काफी ज्यादा होती है, इसमें कहीं कोई दोराय वाली बात नहीं है, और जो कोच है तकरीबन 10 कोच पटरी से उतरे हैं और आप देखे होंगे कि विजुअल में हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि ये जो कोच है ये आपको रेल होकर बिल्कुल उस स्थिति में है जहां यात्रियों के घायल होने की जब आदमी बर्थ सुबह की घटना है, तो जब आदमी उस समय यात्री आराम की मुद्रा में होते हैं सो रहे होते हैं तो वैसी स्थिति में चोट लगती है तो बहुत ज्यादा लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो अपने बर्थ पर नहीं है, गिर चुके हैं, उन्हें चोट लगती है, एक अफरा तफरी की स्थिति मचती है। तो भाई इसमें आप इंकार नहीं कर सकती है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जहां तक कैजुअलिटी की बात है तो अभी तक रांची रेल मंडल से हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है वो भी लगातार इस बात को इशारा कर रहे हैं कि ऐसे कोई यात्री नहीं है जिन्हें चोट बहुत ज्यादा लगी हो, क्योंकि आमतौर पर जब लोग जागी हुई स्थिति में रहते हैं तो खुद को बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं और उस प्रयास में चोट भी ज्यादा लगती है। तो तमाम जब ठीक है संजय, मैं आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और देखिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।